गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स एंड फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक थोड़ी जी थोड़े गलबात करनी है, प्लीज सुन लेना। डाइवोर्स के बारे च, इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक है, बहुत सीरियस टॉपिक है। और मैं कोई थोनू लेक्चर नहीं देन लगी, कोई नसीहत नहीं करन लगी, सिर्फ अपना लाइफ एक्सपीरियंस थोड़े शेयर करूँगी। और मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं बिल्कुल एक आम औरत हूँ, तो अपना एक्सपीरियंस थोड़े शेयर करूँगी। कि कुछ दिन पहले ना मेरी नज़र पे एक ड्रामे थे, पाकिस्तानी ड्रामा, तो ना मैन ते लेडी दे गॉट मैरिड एंड दे स्टार्टेड लिविंग टुगेदर। तो वो मैन कोई मामूली जी गल कहना सी ना कि ए कपड़े क्यों पाए, डिफरेंट पा, ए मैनू पसंद नहीं, ए नहीं अच्छा। तो लेडी जड़ी है ना, वो इस चीज़ का बहुत माइंड करती सी, ओके फाइन। लेकिन ये छोटिया छोटिया गल्ला ना उन्होंने ड्रामे च दिखाने की ट्राई की कि डाइवोर्स तक गई हैं। तो वो ड्रामा जड़ा ना वो एग्जैक्टली ना फोर्स कर रहा सी कपल नू डाइवोर्स लैण ले। यानी कि मेरे कहने का मकसद है, ब्रीफली मैं दस रही हूँ कि पाकिस्तानी ड्रामे जड़े हैं ना, वो जे न्यू जनरेशन है ना, उन्होंने डाइवोर्स वाल लैके जा रहे। तो मेरी गुजारिश है न्यू यंग जनरेशन, न्यू कपल, और जिन्हों की शादी नू दो या चार साल होए हैं, उन्होंने तो मेरी गुजारिश है कि ये ड्रामे देखो, लेकिन इनू एज अ फन नाल देखो, इनू अपनी लाइफ नाल कंपेयर ना करो। ए थानू बिल्कुल नहीं पता कि ये स्क्रिप्ट कितों आता है, और अगर थानू पता है कि ये स्क्रिप्ट कितों आता और क्यों आता, तो तुसी डेफिनेटली इनू सीरीयसली लो इन चीज़ों। वर्ल्ड वॉर टू जिन्हों ने भी जीती सी ना, हुण तुसी कहोगे कि डाइवोर्स के टॉपिक वर्ल्ड वॉर टू कितों आ गई, मैं थानू उहदा लिंक समझाने की ट्राई कर दी। वर्ल्ड वॉर टू जिहड़ी ना दो तीन कंट्रियां जीत गईयां सी, जिहदे च कि सरे फहरिस जाहिर है कि बरतानिया शामिल सी। अमरीका ने भी जपैन ते बम शम मार के ते हावी होण दी कोशिश की थी, और वो कामयाब हो गया। इस तो बाद इन्हां ने बैठ के एक मीटिंग की थी, और उस मीटिंग दे विच इन्हां ने ये डिसाइड किया कि इस दुनिया च वन वर्ल्ड रूल चलेगा, और ये दुनिया पूरी दो चार कंट्रीज चला रही हैं। और जिहड़ी सानू फ्लैग पकड़ाए गए उन्होंने इस तरह असी लहराने, जिहड़ी साड़ी गवर्नमेंट बनती और गिरती है, ये सिर्फ सानू खुश करन लई है। ये चीज़ तुसी जितनी जल्दी मान लो उतनी जल्दी ज़्यादा बेहतर है। और डिसाइड है होया कि हुण जिस वेले भी कोई कंट्री किसी ते अटैक करेगी, तो वो कंट्री उहदे ते कंप्लीटली काबिज नहीं हो सकती और अपना फ्लैग उत्थे नहीं लगा सकती। तो वो क्योंकि इन्हों का अपना डिसीजन सी, उस तो बाद फिर इन्होंने ना सब नू उन्हां दी कंट्रीज दे दित्ती ते उन्हां दे फ्लैग्स पकड़ा दिते। लेकिन प्लीज़ बिलीव मी, रूल्स अजे भी उही चल रहे हैं, उन्हां दे ही चल रहे हैं, और उन्हां दा हुक्म पिछों आंदा है, और ये ड्रामे दे स्क्रिप्ट भी पिछों ही आंदे है। और ये जितनी NGOs आ ना, यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गनाइजेशंस, ये सारियाँ उन्होंने तहत ही ऑलमोस्ट चल रही हैं, और फंडिंग भी आती है। और उन्होंने की स्क्रिप्ट दिते जाते हैं कि डाइवोर्स करवाई जाए, और जे नैक्सट जनरेशन है ना, उन्होंने शादी तो पुट ऑफ किया जाए। शादी जैसा कि सभी जानते हैं कि खुदा ताला का रूल है, और स्काई का रूल है, आसमान का रूल है। शादी का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक सी और है कि दो इंसानों का मिलाप, और उस मिलाप तो बाद बच्चे की पैदाइश, और बच्चे की पैदाइश जड़ी है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बाप और माँ दोनों मिल के उन्हें पालन। चाहे उस बच्चे नू अद्धी रोटी खाण मिले ना, लेकिन माँ तो बाप होने चाहिए उस बच्चे को। जिस वेले अगर मेरा खावन मैनू कहेगा कि ऐ के कपड़े पा ले, दूसरे पा है, तो रंग मैनू नहीं पसंद, तो मैं इन्हां गल्लां ते डाइवोर्स लै लवां, तो उहदे च मेरे बच्चों का की कसूर है? मैं उन्हां कोल उन्हां दा वालिद क्यों छीना? ये तो मैं उहदा हाथ पकड़न तो पहले डिसाइड कर लवां ना कि आया कि मैं इहदे नाल रहना या नहीं रहना, या रह सकती या नहीं रह सकती। जिस वेले किसी का हाथ पकड़ लो ना, फिर उन्हें नहीं छड़ना, जान चली जाए।
छोड़ना नहीं, अगर बच्चा आया तो नहीं छोड़ना। प्लीज़ ये जुल्म ना करो, ये ना करो जुल्म अपने बच्चे थे। उन्हें बाप चाहिदा और माँ चाहिदी है, चाहे उन्हें चोपड़ा दे दो या अद्धी रोटी भी ना दो, बट उन्हें दोनों चाहिए है। ये बहुत सीरियस मैटर है। प्लीज़ जो भी कोई सुन रहा है इनू ना, वो इनू सीरियसली लो। अगर थोड़ा खावन थोनों कह रहा ना यह रंग नहीं पसंद या यह की पका दिता, तो हो सकता थोड़िया भी कई आदतें थोड़े खावन ना पसंद हो। और मेरी गुजारिश है औरतों को कि अपने खावन ले हॉट मील बना अगर वह हाउस वाइफ है, क्योंकि वह थोड़े लिए बार कमाण गया है। और जो ही बार कदम रखता ना, तो वो बिल्कुल वो इज्जत दाव ते लग जाती, कोई भी वो उठ के बेइज्जती कर देता है। इसलिए खुदा ताला ने औरत नू चार दीवारी दी और मर्द नू बाहर की दुनिया दी। तुसी उहदे लई जरूर हॉट मील बनाओ, उहदा वेट करो और उहदे नाल अच्छी अच्छी गल्लां करो। और अगर तुहाडा खावंद खड़ूस है तो दैट्स फाइन, दैट्स हाउ यू नो बैटर दैन मी हाउ टू हैंडल हिम। और हुण मेरी खामदा तो गुजारिश है कि अगर तुहाडी जिहड़ी वाइफ है वह फोहड़ आ, अच्छा खाना नहीं बना रही, तो तुसी की करोगे? तुसी ए मामूली जी गलती तो उन्हों डाइवोर्स दे दोगे तो दूसरा अच्छा खाना बनाने वाली ले आओगे? फर्ज करो कि खाना तो अच्छा बना रही है लेकिन वो थोड़े ना लॉयल ही नहीं है, या वो कुछ होर वो अंदर ऐसी खराबी है। इस तरह असी परफेक्ट परसन कोई भी नहीं ढूंढ सकते। मर्दा तो मेरी गुजारिश है कि औरतों पर रहम का सलूक करन। औरत हमेशा मर्द नालों थोड़ी जी कमज़ोर होंगी जिसमानी तौर पर भी, तो इसलिए मर्द को चाहिए कि औरत नाल रहम का सलूक करे। और मर्द को चाहिए कि औरत नाल बेवफाई ना करे। औरतां बहुत हर्ट होंदियां जिसले मर्द जगह जगह झाकदे आ ते मूँह मारदे आ, ते औरत साथ जिहड़ी उह हर्ट होंदी उह समझदी है कि मैं मेरी कोई वैल्यू ही नहीं, शायद मैं हसीन ही नहीं है, इसलिए मेरा मर्द दूसरी औरत वल देख रहा है। तुसीं भी अपनी औरतां नाल ना करो, प्लीज़ कोशिश करो कि ना करो। और औरतां तो मेरी गुजारिश है कि मर्दां नाल उहनां ते ममता लुटाओ अपनी, उहनां दा ख्याल रखो। उन्हां दियां सौकसां कित्थे, थोड़ा काम आ उन्हां नूं दसणा। प्लीज़ किसी NGO कोल ना जाओ, अपने दिल की गल सुनो, अपना इंसान का शऊर उहदी गल सुनो। डाइवोर्स ना लाओ, हाथ पकड़ लिया तो छोड़ना नहीं, जान चली जाए, कार नूं वसाओ। कार वसाना बहुत जरूरी है। ये मर्द ते औरत का मिलाप सिर्फ और सिर्फ इंसानियत दी बका लई खुदा ताला ने बनाया। और मैरिज कॉन्ट्रैक्ट ते असीं साइन क्यों करते हैं? इसलिए कि असीं हुण एक दूसरे नाल कॉन्ट्रैक्ट च शामिल, इसलिए ये साइन होंदे आ। ते इन्हां ड्रामिआं ते ध्यान ना दो प्लीज़। ये ड्रामे बिल्कुल गुमराही वल लै के जा रहे और NGOs गुमराही वल लै के जा रहे हैं। इस तरह ना करो। कार अगर तुसीं इरादा कीता कि तुसीं कल्ले रहना, दैट्स एबसोल्यूटली फाइन। इफ यू कैन लिव अलोन बाय योर सैल्फ, इट्स फाइन, इट्स इंटायरली अप टू यू। But if you have decided to live with someone else, you want to make a house, you want to born a kid, then you have to make sure that you're going to live with that person. Thank you so much.